और यहाँ है आज ट्यूसडे का डे और हम क्या कर रहे हैं कि एज यूजुअल नाश्ते से ही मेरा डे स्टार्ट होता है। आज बेटे को भी मैंने ऑफ करा दिया क्योंकि उसका भी कल पेपर है और बेटी का भी पेपर, तो कल से माशाल्लाह दोनों के पेपर्स है। बेटी की तो ऑलरेडी चल रहे हैं, तो बेटे का जो है ना अभी जस्ट वैसे ही जा रहा था, लेकिन अब पेपर स्टार्ट हो रहे। सो अभी मैं बस नाश्ता बना रही हूँ। अभी बच्चे सो रहे हैं, अभी 8 भी नहीं बजे और हस्बैंड ज़्यादा जल्द जाना है। सो ही वांट टू गो टू द कोर्ट, सो दैट्स व्हाई द कोर्सेज वाले जो है ना वो सब इसी तरह के होते हैं। सो अभी हम क्या कर रहे हैं, नाश्ता बना रहे हैं, वो बात कर रहे हैं। जल्दी से नाश्ता बना रहे हैं, सर्व कर लूँगी क्योंकि उनको जल्दी जाना है, फिर बच्चों को बाद में करवा दूँगी। और अपने लिए मैंने शुगर डाल दी है इसमें और इसमें फिर हम चाय बना लेंगे और खुद हम ये वाली पीते हैं। मैं पीती हूँ सारी, हस्बैंड तो खैर सी पी रहे होते हैं, उनको वो चाहिए। चले अभी जल्दी से बनाते हैं पराठे वगैरह। और आप लोग किस तरह के हैं और बच्चे क्या अपने बिल्कुल हो गए हैं, क्या चल रहा है, कौन कहाँ कहाँ से देख रहा है ब्लॉग, ज़रूर कमेंट करके बताया करें। और अपने रखिएगा बहुत सा ख्याल। चलें स्टार्ट करते हैं डे फर्स्ट का ब्रेकफास्ट। आप लोग नाश्ते में क्या खाना पसंद करते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। चलें अब नाश्ता वगैरह बनाते हैं और आज की जो भी रूटीन होगी वो। अच्छा, मैंने एक ब्लॉग लगाया स्पेशल फॉर द, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं रेस्टोरेंट अगर जाऊँगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, वो ज़रूर देखिएगा और रिव्यू बकायदा उसका लगाएंगे। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अभी हम तड़का रेडी कर रहे हैं मूंग की दाल, और आज हम बना रहे हैं मूंग की दाल जस्ट। सो बस उसको मैंने जस्ट जो है ना ग्रीन चिली एक ऐड की थी और साथ में जो है हल्दी, और इसको बॉईल कर लिया। और अब मैं इसका तड़का रेडी करूँगी। उस तड़के के अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट होगा, प्याज होंगे और टमाटर होंगे और सारे स्पाइस होंगे, और फिर हम उस तड़के को उसमें ऐड करेंगे। आज हम इस तरह से दाल बना रहे हैं, कल हमने जस्ट बॉईल करके सारी चीज़ें और एंड में जस्ट लहसुन और वो जीरे का तड़का लगाया था। तो आज मैं डिफरेंट स्टाइल से बना रही हूँ, कल मैंने डिफरेंट स्टाइल से बनाई थी, आज दूसरी दाल है। आप सभी दालों को डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से, इसके अंदर भी वो कल वाला प्रोसीजर मैं करती हूँ, खाली दूसरा प्याज का तड़का लगा दी तो भी ये बहुत टेस्टी बनती है, लेकिन इस तरह से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े की बनती है। ऑलरेडी मैंने पहले काफ़ी दफ़ा शेयर किया हुआ है, अब मैं जो हूँ बच्चों के पेपर्स की वजह से व्लॉग नहीं ज़्यादा बना पा रही होती हूँ, तो इसलिए अब आप लोग ये वाला प्रोसीजर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी और मज़े का बनता है। मैं प्याज करूँगी, लहसुन अदरक का पेस्ट बनाऊँगी, टमाटर कट करके डालूंगी और सारी चीज़ें साथ ही, और फिर मुझे बनाने हैं कटलेट्स। मैंने कल बॉयल करके रखे थे कटलेट्स बनाने के लिए, तो फिर कटलेट्स भी बनाएंगे क्योंकि मैंने कल नहीं कुकिंग की थी, कल मैंने चावल बनाए थे तो मैं दिल नहीं जा रहा था। सो अब हम ये करते हैं फटाफट से। ठीक है, ये देखें तड़का बस मैं तैयार कर चुकी हूँ, तो अच्छे से हम पेस्ट बना रहे हैं, थोड़ा सा ये सही से जो है मसाला बन गया। तो इसमें मैंने थोड़ा सा धनिया डाल दिया। ठीक है, सो अभी मैंने के लिए तैयारी की है। सही है, अब मैंने क्या करना है कि मैं डालू थोड़ा सा ना ब्रेड बना दूँ इसके साथ, ठीक है।
अस्सलाम वालेकुम, मैं सना बिलॉन्ग फ्रॉम गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। हम नाश्ता बना रही हूँ, सॉल्व करी हूँ, और मैंने इससे पहले ही एक जो है वीडियो अपलोड किया, तो आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा। और करंट सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान और इमरान खान को अरेस्ट करने के बाद जो करंट सिचुएशन अभी मुल्क में चल रही है, वो भी उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि इतना कुछ गड़बड़ हो चुका है। सो अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ। मेरा आज बनाने का बिल्कुल दिल नहीं था, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। जल्दी से जो है नाश्ता बना ली, क्योंकि हस्बैंड को भी जाना है, और एक बहुत ही हाईटेक सिचुएशन है, रोज ब्लॉग है, अगर बोला वैसी तो सबको अपनी जबान में रखें, लेकिन अपनी फ्रीडम की जंग जो है ना, हम सबको ही लड़नी होगी। जितने जितने अपने अपने पॉइंट को कलेक्ट करते हुए आप लोग अपनी अपनी तौर पर सब एफर्ट करें, ताकि अच्छा जी हम बना रहे हैं आज का सालन, ठीक है, ट्राई कर लूँ उसके बाद फिर उसमें स्पाइस वगैरह डाल के, तो हम अपने के लिए खोल देंगे। हियर इज द सालन रेडी, और अब हम जो है ना बना रहे हैं फ्रैंक। तो जी अभी हम बना रहे हैं रोटी रात की, ठीक है। मैंने दाल नहीं, आज मैंने ये बनाया था लौकी वाला सालन, ठीक है, ये तो तैयार है। साथ में मैंने दही की लस्सी बनाई है, दही भी रखा है, कल मैंने दही भी बनाया था,
अभी बस जल्दी से रोटियां बना लेते हैं। आज भी व्लॉग में कुछ ज़्यादा नहीं है। ये दो दिन के व्लॉग मैंने मिक्स करके बनाए क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था और अजीब सा मूड हो रहा था, कुछ करने को दिल नहीं चाह रहा था। तो उम्मीद करूंगी कि व्लॉग अच्छा लगे होंगे और दुआ में रखिएगा याद, और दुआ कीजिएगा इमरान खान भी जो है ना इस जो है रिहा हो जाएं, और दुआ कीजिएगा पाकिस्तान के लिए भी। अल्लाह हाफिज़।